गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक खतरनाक आत्मा का वास था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले एक जंगली जानवर ने एक लड़की की हत्या कर दी थी और तभी से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। एक दिन गांव के तीन दोस्त मोहित, राजेश और कविता ने तय किया कि वे इस भूतिया जंगल की सच्चाई जानेंगे। सभी ने उन्हें बहुत मना किया लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें वहां खींच ही लाई। तीनों दोस्तों ने अपने साथ टॉर्च और एक कैमरा ले लिया और रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, चारों ओर की आवाजें और वातावरण और भी डरावना हो गया। हवाओं की सरसराहट, पत्तों की चरमराहट और दूर से आती हूटिंग की आवाजें उनकी हिम्मत को कम कर रही थीं, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पास कोई छाया खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह छाया गायब हो गई। तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक छोटी सी लड़की सफेद कपड़ों में पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। मोहित ने हिम्मत जुटाई और उस लड़की से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कहा, मैं यहां फंस गई हूं, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि कविता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। जैसे ही वे लड़की को लेकर वापस गांव की ओर मुड़े, अचानक लड़की की आवाज बदल गई। वह हंसने लगी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की ने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और देखते ही देखते वह लड़की एक भयानक आत्मा में बदल गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा था। मोहित और कविता ने राजेश को खींचते हुए वहां से भागने की कोशिश की लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। आत्मा ने कहा, तुम्हारी तरह कई लोग यहां आए और कभी वापस नहीं गए। तभी मोहित ने एक पवित्र माला अपनी जेब से निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। उसने माला को आत्मा की ओर फेंका और अचानक एक तेज रोशनी हुई। आत्मा ने चीखते हुए कहा, नहीं, और वह गायब हो गई। तीनों दोस्तों के पैर खुल गए और वे तेजी से गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सारी घटना गांव वालों को बताई। बुजुर्गों ने बताया कि उस आत्मा को केवल पवित्र चीजों से ही शांत किया जा सकता है और उस दिन के बाद वहां कभी किसी भूतिया घटना की सूचना नहीं मिली।